Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight me, hum shuru kare. Metal, hum spin kare. Dar ko tu bhul ja, ab aage tu bad ja. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Dikha de, kitna hai tum. Tu kisi se nahi kam. Tu fan sa ban ja, aandhi ban ke. Time on Beyblade! Jenga arrives at a qualifying tournament where he and other competitors are pumped to battle. Meanwhile, you and Tsubasa receive orders from Doji to attend the same event and scout out skilled bladers for the Dark Nebula organization. The tournament begins with Jenga being cheered on by his friends as he battles with a new blader, Rutaro, who claims to be a magician. Jenga must keep his wits about him as Rutaro appears to have the power to somehow distort reality and confuse his opponents. Jenga struggles at first, but he and his bae Storm Pegasus fight through Rutaro's tricks. And when it's all over, they send Rutaro and his bae Thermal Pisces down to defeat. Our Glintville City Challenge match is going on. Come and take a look at it. देखो वो वहाँ है। ए, तुमने कर दिया जिंगा। हे सुनो दोस्तों, मैंने एक और जीत हासिल कर ली। हम सब ने देखा तुमने बहुत ही कमाल का खेला जिंगा। तुमने वैक्यूम बनाकर अपने ओपोनेंट को चकमा दिया और मैच को जीत लिया। कैसा वैक्यूम? वैक्यूम बनाया से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हाई स्पीड स्पिनिंग से हवा को चीर सकते हो, यही कह रही हूँ। अब समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? जिंगा, तुम अपने मैच में इतने ज्यादा फोकस थे कि तुम्हारे अटैक से अनजाने में वैक्यूम बन गया। क्या मैंने ऐसा किया? हाँ, तुमने कर दिया। तुम्हारा नसीब बहुत ही जोरदार है। एक वैक्यूम? हाँ, मुझे मैच के दौरान ऐसा लगा जैसे मैंने स्टेडियम में स्पेसशिप देख ली हो। दोस्तों और दोस्तों, कौन होगा वो अगला ब्लेयर जो इस चैलेंज मैच को जीतेगा और लेकर जाएगा 10,000 पॉइंट्स? अगला मुकाबला इस टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला है। अब मुकाबला होगा केयोया और उसके रॉक लियोन वर्सेस हिकारू और उसके स्टॉर्म एक्वेरियो के बीच। चलो, वक्त आ गया है केयोया, पिछले मुकाबले में जो तुमने मेरे साथ किया उसका हिसाब बराबर करने का। तो क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? मैं यहाँ हारने के लिए नहीं आई हूँ। बदला लेने का टाइम आ गया है। सही कहा, और लगता है जैसे इस मुकाबले में यू और सुबासा भी हिस्सा लेने वाले हैं। कमाल की टाइमिंग है। हाँ, ये मौका है अपनी ताकत साबित करने का। और आज के बाद कभी भी हमारी इतनी बुरी हार नहीं होगी। स्पेशल मूव लायन वाइल्ड विंड फैंग डांस। केयोया से हारने के बाद आज पहली बार हम यहाँ आए हैं। हमने बहुत संभल कर अपनी कमजोरियाँ समझी हैं और एक टीम की तरह काम करने का बेस्ट तरीका निकाला ताकि हम अपनी सबसे ज्यादा ताकत दिखा सकें। इस तरह हम दोनों एक ही मैच में दोनों की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। तुम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन ब्लेडर्स के तौर पर। अब वक्त है सबको अपनी असली ताकत दिखाने की। इस ईविल जेम्यूस को तो देखो, इस बेब्लेड की वजह से हम दोनों के बेब्लेड की ताकत का नजारा पेश कर सकते हैं। ईविल जेम्यूस। Whoa! मुझे तुम दोनों से अच्छे नतीजे की उम्मीद है। अब मैं और नहीं रुक सकता, चलो चले। ओके ब्लेडर्स, क्या तुम तैयार हो? 3, 2, 1, let's rip! ओ नहीं, हम केयोया और हिकारू के मुकाबले को मिस कर रहे हैं। हमें कुछ अलग करना होगा। केंटा और बेन के, छोड़ना मत उन्हें। थैंक्स, चलो फाइनल्स में मिलते।
हाँ सही समझे, गैस करो अंत में कौन जीतेगा? नहीं पता मैं। माफ करना टिंगू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुमने मेरी बैंड बजा दी बेन बेन। सॉरी। यू ओह केंचिया जेंगा। हे दोस्तों तुम ठीक तो हो ना? ये तो यू है, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ क्यों नहीं आऊँगा? मैं भी मुकाबला करने आया हूँ, है ना सुबासा? सुबासा, ओ तो ये बात है, तुम भी यहाँ हो सुबासा, पर तुम यू के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि वो डार्क नेबुला का भी हिस्सा था। वो एक दिन मेरे पास चल कर आया और कहा मुझे ज्वाइन करने दो, तो किसी के पास चॉइस नहीं थी, मैंने भी खुद एक्सेप्ट नहीं किया था। ओ सच में, क्या ये सच है सुबासा? बिल्कुल है, उसने कहा ना। मैं क्यों समझा नहीं, लेकिन एक महान ब्लेडर डार्क नेबुला के साथ क्यों जुड़ना चाहता है? मुझे इसका जवाब नहीं देना। हाँ जब हमने पहले मुकाबला किया था ऐसा लगा जैसे तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो, क्या ऐसा करने के लिए डार्क नेबुला ने तुमसे कहा था? हाँ? हम जा रहे हैं यू। हे, तुम मेरे बॉस नहीं हो, समझ गए? हे! सुबासा। गो एक्वेरियो। उसे छोड़ना मत लियोन। एक तरफ हो रहा है लियोन और एक्वेरियो का मुकाबला, तो दूसरी तरफ कुछ और ब्लेडर्स मैच के लिए तैयार हो रहे हैं। स्टेडियम बी में डार्क बुल मुकाबले के लिए तैयार है। उसका ओपोनेंट है हमारा अपना अर्थ ईगल वाला सुबासा। सुबासा एक ऐसा ब्लेडर है जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, कोई भी डार्क नेबुला ब्लेडर मुझसे पंगा लेगा तो मैं हमेशा के लिए उसकी छुट्टी कर दूंगा। मैं भी देखना चाहूंगा कितना दम है। मुझे कितना बोरिंग ब्लेडर मिला है। सुबासा कितना लकी है, मुझे भी बेन बेन और कैंची से मैच खेला था ताकि मुझे भी मजा आए। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कमजोर हूँ? तुम बस एक बच्चे हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। सुबासा और यू यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो यहाँ क्यों आए हैं? तो ये डार्क नेबुला कंपनी इस बार कौन सा गंदा प्लान बना रही है? और स्टेडियम डी में केंटा और फ्लेम सैजिटेरियो इंतजार कर रहे हैं। वो मुकाबला करेंगे दो भाइयों से जो एक बेब्लेड से खेलते हैं, ट्विन ब्लाइडर। दोनों भाई हैं और इनके नाम है डैन एंड रेकी। चलिए देखते हैं वो क्या धूम मचाते हैं। तुम दोनों एक बेब्लेड चलाओगे? हाँ दोस्तों, मैं उन्हें पहले भी खेलते देख चुका हूँ, वो डार्क नेबुला कंपनी के अंदर मुकाबला कर रहे थे। हम है और बाकी सब पानी कम है। हम दोनों से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। हम दोनों की ताकत एक बनकर तुम पर बरसेगी और तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। मैं ही जीतूंगा, दो के मुकाबले एक। हाँ मैं हारने वाला नहीं हूँ। Ready, 3, 2, 1, Let it rip! Evil Gemios. दिखने में एक स्टेमिना टाइप एब्लेट लगता है, बिल्कुल सैजिटेरियो की तरह, देखा तुमने? पर उस फ्यूजन व्हील के शेप में ऐसी कौन सी खास बात है? हाँ हाँ, मेरा अपोनेंट भी स्टेमिना टाइप बेब्लेड है। जब ऐसा होता है सबसे अच्छी चीज होती है मुकाबले को ड्रॉ करना और अपने अपोनेंट की ताकत को खत्म करने का इंतजार करना। पर मैं सिर्फ स्टेमिना के बलबूते पर नहीं जीत सकता, मेरा मतलब मैंने बहुत से ब्लेडर्स से मुकाबला किया है और मैं शक्तिशाली भी बना हूँ। मैं एक टेस्ट करता हूँ कि सैजिटेरियो की ताकत कैसी है। जाओ! ओ ब्लेडर, सैजिटेरियो ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। सैजिटेरियो फ्लेम क्या? जेमियोस स्पेशल मूव ब्लेज वॉल। क्या? जनता की स्पेशल मूव को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। हमारा बेब्लेड है ही ऐसा कि वो किसी के भी अटैक को पानी कम चाय कर सकता है, समझे बच्चू? अभी खत्म नहीं हुआ, चलो सैजिटेरियो झटके से करो अटैक।
रेकी। समझ गया, जेमियोज आइसिकल एज। वो देखो तो, इस बार जेमियोज सैजिटेरियो के खिलाफ काउंटर अटैक कर रहा है। आखिर ये बेब्लेड करना क्या चाहता है? वो एक अटैक टाइप बेब्लेड बन गया। ओ नहीं, जेमियोज ऐसा बेब्लेड है जिसमें स्टेमिना के साथ अटैक करने की काबिलियत भी है, समझ रहे हो? ये देखो, एक बार जब हमेशा वाला स्टेमिना टाइप फ्लैट शार्प परफॉर्मेंस टिप अटैक करता है, तब वो अटैक टाइप में तब्दील हो जाता है और अपने ओपोनेंट के पीछे पड़ जाता है। और फिर उसमें फ्यूजन व्हील भी है जिसमें अपर और लोअर पार्ट्स भी है। अपर पार्ट जलते हुए शोले की तरह अटैक करता है और जो लोअर पार्ट है वो बर्फ की तरह अटैक करता है ठंडा रहकर। आग और बर्फ दोनों है, उसमें दोनों की ताकत है। मैंने आज से पहले ऐसा बेब्लेड कभी नहीं देखा है। हमने तुम्हें बताया था, है ना? हम दोनों साथ में ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और हम दोनों की शक्तियाँ जब मिलती हैं तो जेमियोज और भी पावरफुल हो जाता है। हम पर अटैक करने में तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर मैं बिना सोचे समझे अटैक करूं तो कोई फायदा नहीं होगा। भागने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। नहीं रुको, अगर वो पीछे हटे तो हम भी हटेंगे। पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आइसिकल एज को काउंटर अटैक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हें पता है ना क्यों? अगर ओपोनेंट मुकाबले में रुकने की कोशिश करता है तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हम अपना स्टैमिना बचाएं। ठीक है फिर। रुको भाई, अगर हम नहीं हिले तो भी हमारे आइसिकल एज के सामने उसके सैजिटेरियो के घूमने की शक्ति कमजोर हो चुकी होगी। अगर ये स्टैमिना मुकाबला यूं ही चलता रहा तो सबसे पहले सैजिटेरियो घूमना बंद करेगा। गैंटा, तुम अपने मैच में ध्यान क्यों नहीं देते? सही कहा, इसे ट्राई करके देखो। बुल 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 अपकट। ईगल मेटल विंग स्मैश। बुल बुल बुल। पुल को लगी टक्कर। अर्थ ईगल ने पुल को गिरा दिया। अब आप देख सकते हैं कि अर्थ ईगल की ताकत में कितना ज्यादा फर्क है। मुझे पता लगने से पहले ही खत्म हो गया। बैंके एक ब्लेडर तब तक स्टेडियम से अपना ध्यान नहीं हटाता जब तक मुकाबला खत्म नहीं होता। यकीन नहीं होता कि मैं हार गया। बुरा हुआ, बेन बेन की तो बैंड ही बज गई। बेचारा बेन बेन। क्या? स्टेडियम की एक तरफ मेरी नजर पुल और ईगल पर थी और दूसरी तरफ एक मुकाबला खत्म भी हो गया। यकीन नहीं होता। कितना बोरिंग है, उसमें जरा भी मजा नहीं आया। सबको अच्छा कंपेटिटर मिला है। ठीक है, जरा सोचो, अगर मैं ये मुकाबला ऐसे ही जारी रखूंगा तो हार जाऊंगा। लेकिन अब तक कुछ नहीं, ओपोनेंट पहले से ही कमजोर है। चलो उसे खत्म कर दे, प्लीज करते हैं ना। जल्दबाजी मत करो रिकी, जब तक वो अटैक नहीं करता हम इंतजार करते रहेंगे। पर डैन, पर कुछ नहीं, फैसला मैं करूंगा तुम नहीं। अगर हम रुके भी रहते हैं तब भी हम ये मुकाबला जीत जाएंगे। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, पर सुनो अब अटैक करो जल्दी। वो आ रहा है रिकी।
अब दिखाते हैं आग और बर्फ का कमाल। स्पेशल अटैक, चलो अब दिखाते हैं जेबियो साउंड बर्स्ट अटैक। सेजिटेरियो ने किस तरह से जिमियोस के स्पेशल अटैक को झेल लिया है, पर लगता है उसे बहुत नुकसान भी पहुंचा है। और दूसरी तरफ भी उनके मुकाबले में कियोया और हिकारू बराबरी पर चल रहे हैं। दोनों भी जबरदस्त हमला कर रहे हैं, पर किसी ने किसी को भी मार नहीं गिराया। पता नहीं ये मुकाबला कितनी देर तक चलेगा। इस तरह हम दोनों का कोई फैसला नहीं होगा, क्यों ना एक फाइनल अटैक करके ही डिसाइड कर ले। ठीक है कियोया? बहुत अच्छा ख्याल है, चलो इसे यही खत्म करते हैं हिकारू। अब देखो कमाल, एक्वेरियो इन्फिनिट असॉल्ट। और अब मेरा स्पेशल मूव, किंग लायन टेयरिंग ब्लास्ट। क्या वो सब सिर्फ एक धोखा था? असली वाला तो वहाँ पर है। अब नहीं छोड़ूंगी। ऐसा तुम्हें लगता है? अगर तुम्हें इतना ही दम है तो तुम मेरे लियोन को नहीं रोक सकती। लायन किल फॉर फॉल। एक्वेरियो, लंबे वाले मुकाबले के विनर है कियोया के रॉक लियोन। मैं हार गई, पर मैं वैसे मुझे मुकाबले में बहुत मजा आया। क्या बात है, कियोया है ही कमाल का। मुझे अभी उसके साथ मुकाबला करना था। केंटा, कम ऑन, तुम कर सकते हो। ये वाला जीतो हम दोनों के लिए। वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दोनों टू इन वन है। जिम्योस में आग और बर्फ दोनों की शक्ति है। कोई फायदा नहीं है, मैं अकेला ब्लेडर हूँ और उसके सामने कुछ भी नहीं। हिम्मत मत हारो केंटा। अगर सामने दो अपोनेंट्स भी हैं तो क्या हुआ केंटा? तुम कभी अकेले नहीं हो, समझे तुम? अपनी ताकत पर विश्वास रखो और अपने पार्टनर पर भी जो तुम्हारे लिए मुकाबला कर रहा है। मेरा पार्टनर? सही कहा, मैं यहाँ सिर्फ सैजिटेरियो की वजह से हूँ। चाहे मुकाबला कितना भी कठिन हो, सैजिटेरियो और मैंने आखिर तक अपने ओपोनेंट का सामना किया है। मैं हार नहीं मान सकता, तब तक नहीं जब तक सैजिटेरियो घूम रहा है। तुम कर सकते हो सैजिटेरियो, इसे खत्म करो। ये आखिर कर क्या रहा है? अब तक तो उसे घूमना बंद कर देना चाहिए था मेरे भाई। अब तक तो हमारे स्पेशल अटैक से उसे धाराशाही हो जाना चाहिए था। ये इसलिए हुआ क्योंकि कोई तो है जो ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए हमारे अटैक की टाइमिंग कुछ सेकंड्स लेट हो गई और ये तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ये कह रहे हो कि ये मेरी गलती है? क्या तुम्हें यहाँ और कोई दिखाई दे रहा है क्या? मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सही थी मेरे भाई। अच्छा ठीक है, फिर इसे मैं ही खत्म करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जेनियोस, रुको, जब तक ओपोनेंट कोई अटैक नहीं करता हमें रुकना होगा। भूल गए क्या? वो एक झटके में खत्म हो जाएगा। हमें अटैक करना होगा, हमारे पास यही मौका है। मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम जबरदस्त जीत हासिल करें। तुम्हारे फालतू अटैक से पूरा का पूरा मैच बिगड़ जाएगा। क्या फालतू अटैक? बहुत हुआ, तुम अब साइड में हट जाओ। हमेशा ऑर्डर देते रहते हो जैसे तुम बहुत महान हो। मैं मुकाबला करूंगा उससे, वो भी अकेले। सुना ना तुमने? यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या दो भाई आपस में लड़कर पूरा खेल बिगाड़ देंगे? चौरिके, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जेमियोस डाउनबर्स्ट। सैजिटेरियो! केंटा! लगता है खत्म हुआ। बिल्कुल नहीं। तुम दोनों मुझसे पक्का स्ट्रांग हो, पर ये जो तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो इससे एक बात तो साफ है कि मैं नहीं हारने वाला। क्या? ये क्या है? हम दोनों एक साथ हैं। जाओ हमला करो सैजिटेरियो फ्लेम ब्लास्ट। ओके चैंपियन अटैक। नहीं नहीं, बचो।
सैजिटेरियो के स्पेशल मूव ने जेमियोस को जोर का झटका जोर से दिया। क्या मुकाबला था, ये मुकाबला जीता है केंटोबे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, केंटा जीत गया। कमाल कर दिया केंटा। क्या बात है, मैं जीत गया, सैजिटेरियो और मैं जीत गए, मुझे पता था। केंटा, हम भले ही आज हार गए हैं पर अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भूलना मत। अब वो दोनों लग रहे हैं भाई। केंटा, तुमने कर दिया, कंग्रेचुलेशन। क्या बात है केंटा, तुमने कर दिखाया, मेरा बेस्ट फ्रेंड कमाल का है सच में। हे दोस्तों, मैंने कर दिया। हाँ, तुम्हारा मुकाबला मजेदार था, कंग्रेचुलेशन केंची। हाँ, क्या Glintville City Challenge Match अब और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो रहा है, और अगला मुकाबला है